नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे परिवार SPS स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, ये मैथ की एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये BSc के सेकंड सेमेस्टर में मैथ के अंदर जो टॉपिक है मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने मैट्रिक्स की 2 वीडियो और डाल रखी है, तो अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक्स की वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो दोनों वीडियो देखो। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने जो सेकेंड वीडियो डाली है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि मैट्रिक्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब हो गया कि उसमें एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। एडिशन में भी कुछ टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं एडिशन के। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि एडिशन मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, अगर उनको सब्ट्रैक्ट करना है मतलब उनको अगर घटाना है तो उनको घटाएंगे कैसे, और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी थी जैसे एसोसिएटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर किसी बच्चे ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो दोनों वीडियो जाके देख लो, उसके बाद में ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। इन जनरल फॉर्म में सपोज करो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये दे रखा है एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमें उसको मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे दे रखा है सी आई इंटू जे, ठीक है, और यहाँ पे इसका आ जाएगा हमारा इंटू पी। मतलब मल्टीप्लाई में क्या होगा कि ये हमारा एक जनरल मैट्रिक्स दे रखी थी, ये हमारा एक जनरल मैट्रिक्स दे रखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर आया हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन। अब रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सपोज करो कोई 2 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दे रखा है हमारा R1, R2, R3, R4 करके, ये हमारा एक रो दे रखा है, ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दे रखा है C1, C2 करके एक कॉलम दे रखा है, ठीक है, डॉट डॉट n। अब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, अगर हमें a इंटू बी निकालना है तो a इंटू बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि a को उठाएंगे और R1 को उठाएंगे और C1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R1 इंटू C1, फिर R1 इंटू C2, फिर R1 इंटू C3, डॉट 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 R1 इंटू RCN, मतलब ये कहाँ तक गया है, N तक का गया है, ठीक है। ऐसे हम फिर R2 को उठाएंगे, फिर C1, C2, C3 में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डॉट डॉट CN तक का। ऐसे हम RN को उठाएंगे, ठीक है, RN को उठाएंगे और फिर क्या करेंगे कि RN को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 से, फिर डॉट 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 RCN। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नीचे हमने एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, एग्जांपल में दे रखा है कि कोई भी हमारी एक मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स ले लिया A इज इक्वल टू दे रखा है हमारा कितना 2, 5, 8 और 10, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, कितनी, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू दे रखा है 4 एंड 10, तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1x2 की मैट्रिक्स, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, एक है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं,
सॉरी नंबर ऑफ रो एक है और नंबर ऑफ कॉलम कितने दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 1 × 2, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको A11 को उठाएंगे, A11 को उठाएंगे और B11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। A11 को उठाया, A11 कितना दे रखा हमारा 2, 2 को उठाया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसका सेकेंड पोर्शन उठाएंगे, यानी कि A12 को उठाएंगे और B21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। A12 को उठाया और B क्या किया हमने, यहाँ पे A12 को उठाया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, B21 से, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस करके, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में प्लस आएगा, यानी इसको उठाया पहले इससे किया, प्लस इसको उठाया इससे कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। देन उसके बाद में क्या किया, सेकेंड में क्या किया हमने, 8 को उठाया और इससे किया, फिर 10 को उठाया इससे कर दिया, तो 8 × 4 प्लस 10 × 10, तो हमारा ऐड करने पे ये आ गया। यानी कि अगर हमारा ये वाला मैट्रिक्स, यानी अगर B हमारा क्या है, B हमारा 1 × 2 की मैट्रिक्स है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, किस ऑर्डर में आएगा, 1 × 2 के ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, सपोज करो यहाँ पे दे रखा है ये वाला एग्जांपल कि यहाँ पे दे रखा है इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी ये 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई और ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई, तो इसका जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो भी किस में आएगा, 2 × 2 के ऑर्डर में आएगा। यानी जो हमारा बी वाला पोर्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, हमने 0 को उठाया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके फर्स्ट वाले से, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस, इसका सेकंड उठाया और इसके कॉलम के सेकंड वाले से मल्टीप्लाई किया, रो के सेकंड वाले से नहीं, इसके रो को देखो, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, पहला का रो उठाएंगे दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अभी मैंने फर्स्ट में क्या बताया था, अगर यहाँ पे R1 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कितना, यहाँ पे दे रखा है R2, तो R1 R2 को उठाएंगे, यहाँ पे C1 और C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि यहाँ पे ये C1 C2 हो गया ना, C1 C2, ठीक है। तो यहाँ पे C1 C2 को उठाएंगे, इसमें क्या करेंगे कि R1 R2 को उठाएंगे और यहाँ पे C1 C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ना कि हम क्या करेंगे इससे करेंगे, यानी ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों यहाँ से उठाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी हमने पहले ये वाला पोर्शन उठाया और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, देन फिर मैंने इसको उठाया और फिर अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 0 × 5 देन -1 × 0, ये हमारा एक हो गया। फिर सेकंड में क्या किया, इसको उठाया और फिर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को उठाया 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उठाया लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, यानी पहला उठाएंगे इसको पहले वाले से, पहले रो को उठाएंगे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर पहले रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दूसरे रो को उठाएंगे पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे रो को उठाया दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, उसके बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0 0 0 0, ये आएगा हमारा क्या, 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे आ रहा है आंसर 0 0 0। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब
इसके भी कुछ प्रॉपर्टी दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे हैं। पहला है एसोसिएटिव लॉ, फर्स्ट है हमारा क्या, फर्स्ट है कि एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता था कि हमने क्या किया कि मैंने कोई तीन मैट्रिक्स ले लिया, तीन मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। अब करना क्या है कि उनको हम मल्टी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये होता है क्या, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ठीक है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो कौन सा लॉ अप्लाई कर रहा है, वो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने ले लिया कि ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड सी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है, एंड सी इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि पहले हमने निकाला ये वाला पोर्शन लिया, पहले हमने ये वाला उठाया और इसमें से पहले हमने निकाला ए इंटू बी। ए इंटू बी के लिए क्या किया, ये हमारा ए दे रखा था, ये हमारा बी दे रखा था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको उठाया और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, यानी वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया। देन सेकेंड को क्या किया, फिर इसको उठाया, सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वन इंटू थ्री इक्वल टू थ्री आ गया, वन इंटू टू इक्वल टू टू आ गया, माइनस वन इंटू फोर इक्वल टू माइनस फोर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक को उठाया, एक से फर्स्ट वाले कॉलम से किया, देन सेकेंड वाले कॉलम से किया, फर्स्ट वाला यहाँ लिखा, सेकेंड वाला यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद में मैंने सेकेंड उठाया और फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, टू इंटू वन इक्वल टू टू, जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो एंड थ्री इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। फिर इसको उठाया और सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स, फिर जीरो इंटू टू इक्वल टू जीरो एंड थ्री इंटू फोर इक्वल टू ट्वेल्व, यहाँ आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमने ये उठाया और फिर दोबारा इससे मल्टीप्लाई किया, तो थ्री इंटू जीरो थोड़ी थ्री इंटू वन इक्वल टू थ्री, देन माइनस वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो एंड टू इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। देन हमने इसको उठाया और सेकंड वाले से मल्टीप्लाई किया, तो थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन एंड माइनस वन इक्वल टू माइनस वन इंटू टू इक्वल टू माइनस टू एंड देन टू इंटू फोर इक्वल टू एट। अब क्या हुआ कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से निकल आएगा क्या, ए इंटू बी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे देखो ये हमारा निकल के आया ए इंटू बी। अब ए इंटू बी निकल गया है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी निकल के आया हमारा फाइनल आंसर ये निकल के आया था ए इंटू बी दिस, तो दिस इंटू सी, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम पहला वाला उठाएंगे, पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू इंटू वन इज इक्वल टू टू, वन इंटू टू इज इक्वल टू टू, ठीक है। देन पहला वाला उठाया, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया, तो टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर एंड टू वन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन थर्ड वाले से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स माइनस टू आ गया। देन मैंने फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई किया तो एट इंटू प्लस वन आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने सेकेंड वाला उठाया और फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। फिर सेकेंड वाला उठाया, सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। फिर सेकेंड वाला उठाया, थर्ड वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। फिर सेकेंड वाला उठाया, फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में मैंने फोर्थ वाला उठाया और फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, उसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में
फोर्थ वाला उठाया, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। फोर्थ वाला उठाया, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। फोर्थ वाला उठाया, थर्ड वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। फोर्थ वाला उठाया, फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा ये। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 444 माइनस 7, उसके बाद में 35 माइनस 2, ये हमारा कितना आ गया, ये इक्वल टू हो गया हमारा ए बी इंटू सी। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में है और सी हमारा बाहर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, दूसरा, दूसरा हमारा था कि हमें निकालना था कि ए ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी इंटू सी, बी हमारा ये है और सी हमारा ये है। ठीक है, तो फिर वही, फर्स्ट उठाया, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, फर्स्ट उठाया सेकंड वाले से, फिर उठाया थर्ड वाले से, फिर उठाया फोर्थ वाले से, यहाँ पे लिखते गए हम फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ से सेकंड वाला उठाया, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। सेकंड वाला उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। ये वाला उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। ये वाला उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। देन उसके बाद में ये वाला उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर ये वाला उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। फिर ये वाला उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। फिर फोर्थ वाला उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बी इंटू सी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए बी इंटू सी। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया, ए हमारा गिवन है। ठीक है, ए हमारा ये दे रखा था, बी इंटू सी हमारा ये आया था, ये जो आया था वो क्या था, बी इंटू सी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला उठाया, सेकंड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। फिर फर्स्ट वाला उठाया, थर्ड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। फिर फर्स्ट वाला उठाया, फोर्थ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, देन सेम प्रोसेस अगेन, सेकंड वाला उठाया, फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड से किया, फिर थर्ड से किया, फिर फोर्थ से किया, और यहाँ 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 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप वही, थर्ड वाला उठाया, फर्स्ट से किया लिखा, सेकंड से किया लिख दिया, थर्ड से किया लिख दिया, फोर्थ से किया लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये यही आ गया। ठीक है, जो ऊपर आया था 444 माइनस 7, वही यहाँ पे भी आ गया 444 माइनस 7, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए। तो हमारा प्रूव्ड हो गया, हमें क्या प्रूव करना था कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। तो आई थिंक ये यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी क्या होगा कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स दे रखा है, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू हो गया ए ए बी प्लस ए सी। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया और उस एग्जांपल के थ्रू हमने ए इक्वल टू ये ले लिया, बी इक्वल टू ये लिया और सी इक्वल टू ये लिया। अब क्या करेंगे कि पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है ए, तो पहले हम निकालेंगे बी प्लस सी। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे बी प्लस सी। तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इसको बी में सी को प्लस कर देंगे तो जो भी आएगा ये हमारा क्या दे रखा है, एक मिनट,
ऊपर दे रखा हमारा ए इज इक्वल टू दे रखा 0, 6, 7, 0, 6, 7, ठीक है। तो हमारा हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है ए प्लस बी निकालना था, हम ए प्लस सी निकाल लें। ए प्लस बी इंटू सी है। तो हम पहले निकालेंगे ए प्लस बी को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, तो 0 से 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसको जब ऐड करोगे तो सिंपल से एडिशन पता है ना कैसे करते थे, इसको इससे ऐड कर देते तो ये 0 आ जाएगा, 6 को 1 से ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 को 1 से ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में ये जो आंसर आया है उसको क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी हमारा क्या दे रखा है ये, तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ए प्लस बी इंटू सी आ जाएगा। उसके बाद में हमें प्रूव करने के लिए क्या होगा कि हम ए सी निकालेंगे और उसको बी सी में ऐड कर देंगे तो वो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, ये एग्ज़ाम्पल आप एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है। अगर ये सॉल्व नहीं होता है आपसे तो मैंने इसीलिए दिया था, इसको मैंने इसीलिए सॉल्व नहीं कराया है कि एक बार आप खुद से करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करा दूंगा। अब नेक्स्ट है हमारा द एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी दे रखा है, थर्ड हमारा क्या दे रखा है कि अगर हमें कोई हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है आई, उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू वाई दोनों इक्वल होगा, या फिर आ जाएगा हमारा सेम वही, ठीक है, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लगभग सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्या, पावर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये पावर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पावर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि अगर पावर का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, सॉरी ए की पावर 4 हो गया, या ए की पावर -4 हो गया, या -5 हो गया, दिस इज कॉल्ड अ पावर, जो ये है हमारा पावर। तो नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ मैट्रिक्स। अब पावर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है तो हम निकालेंगे ए इंटू ए, यानी हमारा कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज करो ए इक्वल टू दे रखा कितना 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसी को हम दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें ए इंटू ए निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, इसको 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4, तो हमारा ये निकल जाएगा क्या ए स्क्वायर, जो ये आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे अगर हमें ए क्यूब निकालना होगा तो ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए की पावर 4 निकालना होगा तो ए इंटू ए क्यूब, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगर हमें ए की पावर एन प्लस 1 दे रखा है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ए की पावर एन, ए इंटू ए की पावर एन, ठीक है। अगर ए की पावर एन एंड ए की पावर एम दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स,
नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखा है एच इक्वल टू, क्या दे रखा है, एच इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि इसके ऊपर हमें टी लिखना होगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज, और इसको हम ट्रांसपोज फॉर्म में लिखेंगे तो ए की पावर टी इज इक्वल टू 2, और ये थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो हो जाएगा हमारा, तो 2, 3 हो जाएगा और 4, 5 हो जाएगा, यानी जो रो था वो कॉलम हो गया, जो कॉलम था वो रो की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कि वो इंटरचेंज कर देता है किसको, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, ए की पावर टी या ए डैश, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए, ए डैश इज इक्वल टू ये, और ए इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नीचे दे रखा है, जैसे कि ए इक्वल टू दे रखा कितना, ए इक्वल टू दे रखा है ये, अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये ऐसे हो गया, यानी जो कॉलम में था वो रो में हो गया और जो रो में था वो कॉलम में हो गया, तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा क्योंकि 2×3 की थी, तो 3×2 हो जाएगा, ऑर्डर एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इसके कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे हैं, जैसे ए इक्वल टू दे रखा कितना, अगर यहाँ पे दो बार इन्वर्स लग गया तो वो हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के इज अ एनी कांस्टेंट, अगर ऐसे दे रखा है ए प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, या ए इंटू बी के ऊपर ट्रांसपोज दे रखा है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो एग्जांपल में हमने यहाँ पे निकाला है क्या, ए और डैश इज इक्वल टू आ गया ए हमारा, ए हमारा ए दे रखा था, ये हमारा ए दे रखा था, ठीक है। उसके बाद में हमने ए इन्वर्स निकाला, फिर उसका इन्वर्स निकाला, फिर वही आ गया, तो हमारा ए आ गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ट्रांसपोज हमने बता दिया है। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है, और नेक्स्ट हमारा होगा कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कोई चीज़ कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ कि आपके तरह बाकी बच्चों का भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।